नगर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन करना बस ही सबसे अच्छा साधन है और यहाँ खड़ी होकर घंटों बसों का इंतजार किया जाता है। वहाँ छाप जैसी कोई सुविधा ना हो तब परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। पिछोर खनिधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसे कई गांव और स्थान हैं जहाँ लोगों को इस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को पिछोर खनिधाना भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने समझा और ऐसे स्थानों को चिन्हित कर विधायक नीति से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया जा रहा है, जहाँ क्षेत्र गाँव के लोगों का आना जाना रहता है। साथ ही अधिकतर गांव ऐसे भी है जहां कोई भी वाहन नहीं चलता है, इसलिए गांव के लोगों को पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक आना जाना पड़ता है और बसों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई छाव की सुविधा नहीं थी, जिससे गर्मी के दिनों में तेज धूप और बारिश के दिनों में पानी में भीगना पड़ता है। इस बात की जानकारी पिछोर खनिधाना विधायक को लगी तो उन्होंने मुख्य मार्ग पर विधायक निधि से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे धूप और बारिश से ग्रामीणों को मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही सभी गांव व क्षेत्र में मुख्य तिराहों पर बनाए जा रहे एकल यात्री प्रतीक्षालय की संख्या 33 है और प्रत्येक प्रतीक्षालय की कीमत 2,60,000 रुपए है। वहीं पिछोर खनिधाना विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने बताया कि 33 यात्री प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं, वह सिंगल है, और 50 यात्री प्रतीक्षालय जो डबल बनेंगे उनमें यात्रियों को ज्यादा परेशानी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लैट पाथ और रुकने की सुविधा भी दी जाएगी। डबल यात्री प्रतीक्षालय की कीमत 4 लाख रुपए है। खनिधाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। विधायक निधि आती है, 30 साल से लोगों को विधायक निधि के बारे में नहीं मालूम था विधायक निधि होती क्या है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल लिखा पढ़ी के तरीके से आप 30 साल का विकास देख लेना कि 30 साल में कितना विकास हुआ है, और मेरा 5 साल का देखना। 5 साल में 30 साल का ओवर ही होगा, 5 साल में कम नहीं होने दूंगा। ये मैं रिकॉर्ड बना के जाऊंगा पिछोर विधानसभा का, और पिछोर विधानसभा में आप वो काम होने जा रहे हैं जो कभी जीवन में न कर सकते थे, न हो सकते थे, न होंगे। मैं केवल केवल सेवा के माध्यम से आया हूँ और सेवा के माध्यम से ही काम करके जाऊंगा, लेकिन 5 साल में वो काम करके बताना चाहता हूँ मैं, जो लोग याद करें जुग जुग तक कि वास्तव में कि वो 5 साल 30 साल कैसे थे और वो 5 साल कैसे हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ लोग। तो क्या पहले विधायक निधि नहीं आती थी क्या? अरे खूब आती, ढांस के विधायक निधि याद नहीं आती, लेकिन बड़ा खपती थी वो, उसकी भी जांच निकाल रहा हूँ मैं विधानसभा में, उसका मैंने कुछ लगाया है उठाऊंगा, जो कि रोड है कागजों में बनी है लेकिन जमीन पर नहीं है। प्रतीक्षालय कागजों में बने हैं जमीन पर नहीं है, पुलिया कागजों में बनी है जमीन पर नहीं है, शौचालय कागजों में बने हैं जमीन पर नहीं है, ऐसी कई चीजें हैं जो कागजों में अंकित हैं लेकिन जमीन पर नहीं है, उनकी भी उठाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा और नहर का मामला, करोड़ों रुपया नहर का टकार गई है, और उर नहर एक ऐसी 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 6 महीने 1 साल के अंदर पाइप द्वारा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछोर की, पाइप द्वारा सिंचाई होगी, लोगों को मोटर नहीं चलानी पड़ेगी, बिजली नहीं जलानी पड़ेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा, हर खेत खेत पर पाइप लाइन द्वारा सिंचाई होगी। तो एक ये पंजाब का टुकड़ा पिछोर को हम बनाना चाहते हैं, और एक पिछोर आप देखना 5 साल बाद पिछोर की रंगत बदल जाएगी और हरा भरा पिछोर आपको ग्रीन पिछोर बना के देंगे हमारा।